माय चैनल नंदाज पिजन प्लैनेट, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। सभी दोस्तों को बड़े दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना लाइक किया है, मेरे चैनल को इतना लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज की वीडियो वैसे स्पेशल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। संगम नहर के टूर्नामेंट में 9 घंटे उड़ा हुआ मेल और उसके जो टूर्नामेंट में मोहर खा के बैठा था, ऐसा बेहतरीन जो मेल है उसके बच्चे मेरे दोस्त बापू ने मुझे गिफ्ट किए हैं। मैं वो बच्चे आपको दिखाने वाला हूँ, उसके साथ उन बच्चों की थोड़ी खासियत भी बताने वाला हूँ। और ये जो नर है वो उड़ते समय अपने जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को लेके वो बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। और ये अगर कबूतर बैठने लगे तो ये नीचे आके वापस उनको ऊपर लेके जाता है। ये ऐसा मेल है तो उसके बच्चे बहुत ही बेहतरीन कलर लेके आए हैं और वो अपने पास उन्होंने बापू ने हमें गिफ्ट किए हैं। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे वो बच्चे गिफ्ट किए। तो मैं आपको बच्चे भी दिखाता हूँ और उस मेल का भी थोड़ा खासियत बताता हूँ। उसका कलर एकदम बेहतर है और जो बच्चे हैं एक ब्लैक है और एक वाइट ब्लैक है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैक वाला बच्चा दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये मैं आपको ब्लैक वाला बच्चा दिखाता हूँ। ये बच्चा एकदम स्लिम है, आप देख सकते हैं, एकदम कॉटन की माफिक है, एकदम देखो ये बच्चा है, एक उंगल में आया है पूरा। और इसके ये पर है, बहुत छोटा बच्चा है, मैं यानी कि ऐसे लेके आया हूँ। ये पल्ला है इसका, बहुत बेहतर बच्चा है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट। ये इसका पल्ला है, पूरे पर देख सकते हैं। और ये उसका चेहरा मोरा है, देख लो, चोटियाल बच्चा है, ये दोनों तरफ से वाइट है। नीचे नली बंद है, ये उसके पैर है, पंजे, ये नली बंद है। और ये मेरे ख्याल से ऊपर से सफ़ेद होगा। ये ऐसा बच्चा है, एकदम छोटे और बेहतरीन साइज़ का कह सकते हैं। और इनकी उड़ान लाजवाब है, लाजवाब। ये 9 घंटे इसका मेल उड़ के बैठा है और इनको अगर खिलाई पिलाई अच्छा हो ये उससे भी ज़्यादा उड़ेगा। और सबसे मेन बात ये वो मेल टूर्नामेंट में उड़ाने वाले नहीं थे फिर भी उड़ाया। और ये बच्चा है, एकदम अभी। और दूसरा बच्चा है वो भी दिखाता हूँ मैं। और ये दूसरा बच्चा है, ये यहाँ पे ब्लैक है, ये सफ़ेद हो जाएगा, सर भी उसका पूरा सफ़ेद हो जाएगा। ये इसकी आंखें देख लो, दोनों तरफ से बाहर आई हुई है, बल्ब के माँ की ये बाहर आई हुई आंखें। और उसका सर चपटा है, ऊपर से आँख सर के यहाँ पे। और इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, एकदम स्लिम बॉडी और छोटा वजूद के कबूतर, एकदम छोटा। इसके लंगूर देख लो, ये भी नली बंद है। और इसका पल्ला भी ऐसे है, पल पर है, लेकिन ये सफ़ेद हो जाएगा। और इसकी जो बगल है देख लो, ये बगल है, ये जो कलिया है, कलिया से इसकी बगल बहुत बड़ी है। सबसे मेन बात वो ब्लैक बच्चे की भी थी और इसकी भी थी। और ये भी उड़ान में उससे अव्वल ही निकलेगा। और सबसे मेन बात देख लो इसका स्ट्रक्चर, और एकदम शांत, जैसे मलवाई कबूतर रहता है ना एकदम शांत, वैसे ये भी एकदम शांत। और
प्योरिटी में है ये देखो, और इसका स्ट्रक्चर कलदुमा है। और ये कबूतर मैं आपको दिखाने चाह रहा था, दिखा दिए। कबूतर आपको कैसे लगे ज़रूर बताना, और जिनको पता है ये कबूतर मेल टूर्नामेंट में उड़ा है वो भी कमेंट कर लो, मुझे अच्छा लगेगा और सबको पता चल जाएगा कि इनकी उड़ान इतनी है। और वीडियो कैसे लगी बताना, चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे मेरे साथ बने रहें।